हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो काफ़ी टाइम पहले उठ गया था और थोड़े कुरियर वगैरह की चीज़ें सब रेडी कर रहा था। मैं अभी मैं गया था नीचे नाश्ते के लिए, कुछ खाने के लिए लेने, तो नाश्ता वगैरह तो मैंने लेके आ गया। अभी फटाफट से चाय वगैरह बनाता हूँ जब तक कि एक दो कुरियर्स और है जो अभी मुझे पैक करने। ठीक है, तो फटाफट से भी कुरियर्स वगैरह पैक करता हूँ। और JC के अपडेट के बारे में अगर मैं बोलूँ कुछ तो ठीक है, मैं थोड़े टाइम में अपडेट भी दे देता हूँ कि क्या क्या अभी बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सो मिलता है आपसे थोड़े टाइम में, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, खिचड़ी बनाने में लग चुकी हूँ। तो मैंने लगभग, ये मेरी पता नहीं है मेरे को क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, मैं जब तक इसको बोलते ना, जब तुमको जो दाल और चावल अंदर के दिखने ना लगने तब तक मैं धोती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो, तो मैंने अच्छे से धो वो के रखा है, अभी थोड़ी देर इसको बिकने दूंगी। ठीक है, फिर इसका मैं फिर से ही पानी फेंकूंगी, फिर दूसरा पानी लूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसके अंदर क्या क्या डालना है वो बताऊंगी। ठीक है, तो जब तक के लिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइज, मैंने चावल धो के लेके फिर अभी मैंने इसके अंदर कांदा काट के डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और आपके हिसाब से डालना, मेरे को मेरा कुकर ना पता ऐसा लग रहा है छोटा है, लिटरली इतना, मतलब मेरे को लग रहा है कि बराबर बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। फिर भी मैं रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो वेल एंड गुड है। मेरे को लेना है बड़ा कुकर, बट मैंने लिया नहीं, मैं भूल गई, क्योंकि मेरे को लगा कि कैसा है ना कि कैफ और मैं ही रहते तो हम दोनों के लिए इनफ है। बट ये ऐसा सीन है ना कि ये ऐसा चपटा वाला है और चपटा वाला कुकर लेना नहीं चाहिए, तो ये पूरा एकदम बराबर बैठता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसके अंदर दो कांदे काट के डाल चुकी हूँ। ठीक है, और अभी मैं डालूंगी इसके अंदर 3 टमाटर, क्योंकि चावल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा मसाला 4-3 नहीं डालूंगी, 4 डालूंगी मैं टमाटर। ठीक है, थोड़ा सा लाइक बेस है ना उसका, मतलब टमाटर वमाटर फ्लेवर ज़्यादा देता है ना, इसके वजह से तो मैं 4 टमाटर काट के डालूंगी, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूँ। सो गाइस, इसके अंदर मैंने डाल दिया 3 हरी मिर्ची काट के, और कोथमीर कड़ी पत्ते को भी काट के डाला है मैंने, और कुछ कुचले हुए लहसुन है, तो कुछ मतलब 6-7 मैंने ले लिए थे लहसुन कुचल के, वो भी डाल दिया। जितना मतलब ये सब डालो उतना और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अब लहसुन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में, पहले कांदा टमाटर, और ज़रूरी नहीं है कि एकदम पतला पतला काट के डालें, आपके हिसाब से जैसा काट के डालना आप वैसे डालो। ठीक है, कांदा टमाटर हरी मिर्ची पहले लिया मैंने, 2 कांदा, 4 टमाटर, हरी मिर्ची 3, और थोड़ा अपना कड़ी पत्ता और कोथमीर, और लहसुन मैंने 6-7 लिया था, उसको कुचल के अच्छे से डाल दिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जो मैं आपको 1 by 1 बताऊंगी। गाइस, इतनी मेहनत से मैंने कैमरा सेट किया है ना, क्या बताऊँ आप लोग को भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सब कुछ डाल दिया और आप देख सकते हैं मेरा कुकर कितना ओवरफ्लो हो चुका है। अब मेरे को पता नहीं क्या होने वाला मेरे खिचड़ी का हाल, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हार नहीं मानते। और ये मैंने डाल दिया अभी ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा हल्का सा, नाम के हिसाब से थोड़ा सा सिर्फ गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं डालना गर्म मसाला। ठीक है, अब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं जजमेंट से बनाती हूँ भाई, मेरे को खाना वाना बनाना आता नहीं है। ऐसे बहुत लोग जो मेरे को कमेंट करते हैं, आता तो है नहीं कुछ ये वो वगैरह वगैरह, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे को वैसे भी नहीं आता, मैं अपने जजमेंट से बनाती हूँ। और ये मिर्ची पाउडर, मिर्ची हमने ऑलरेडी डाली थी, ये याद रखना, फिर भी आपके हिसाब से आप मिर्ची डाल देना। और माय ऑल टाइम फेवरेट हलद, मुझे हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस, हल्दी जितनी बोलो मुझे उतनी पसंद है गाइस, लिटरली। अभी हम हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे हम जो मुझे अब नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हींग। ये क्या बना रही हूँ मैं, है ना, खिचड़ी बना रही हूँ कि क्या बना रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आता, बट इट्स ओके, हम कुछ भी बना के खाएंगे पर इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा, आई होप सो, क्योंकि बस मेरे कुकर का मसला है, क्योंकि इतना सारा मैं बना रही हूँ आज। तो अभी मैं इसमें डालूंगी
राई का तेल, ठीक है, राई का तेल डाल दिया। अल्लाह, इसमें डालेंगे हम घी। यस, राई का तेल, घी, सब एक साथ खाएंगे और गड़बड़ कर लेंगे प्रीत में। तो ये प्योर घी हमने एक चम्मच डाल दी, थोड़ी सी और डाल देंगे। घी अच्छी होती है और घी नुकसान नहीं पहुंचाती गाइस, तो राई का तेल घी नुकसान नहीं पहुंचाता। जितना आपको लगता है रिफाइन ऑयल पियो ये पियो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। घी डाल दी, सब डाल दिया और आप देख सकते हो मेरा कुकर अभी फट के बाहर आ जाएगा गाइस। अभी हम इसमें नमक शमक डालेंगे। नमक तो अपने अकॉर्डिंग डालना है आपको, जितना आपको चाहिए। और बात देखा, मैंने बोला ना एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से सब काम करना इज वेरी रिस्की। मेरा नमक शमक हो गया भाई, बैठ जा गाइस, रुक जाओ मैं कैमरा सेट कर गया, प्लीज डोंट माइंड, मैं कैमरा सेट करके मिलता। हाँ, नमक डाला था लास्ट में और मेरा नमक शमक हो गया। तो पिछले टाइम है ना कैफ ने बोले थोड़ा सा नमक कम लगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं नमक का ना आजकल टेस्ट ही नहीं समझ आ रहा है, मुझे अभी भी कम लग रहा है। तो और डाल देंगे, फिर थोड़ा और डाल देंगे। Just kidding. और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे आगड़ पीछे। आई जस्ट होप कि अच्छे से बने, क्योंकि मैंने ज़ैनब के सामने बहुत बड़ाई की है। मेरा खाना बहुत अच्छा था, खिचड़ी बहुत। थोड़ा और नमक डाल देना, देखो नमक ही कम लग रहा है, इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा। बट नहीं गाइस, आप लोग जिसको भी नमक का जजमेंट है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी कैफ नहीं है इस वजह से मुझे नहीं समझ रहा। थोड़ा और डाल दो क्या नमक, थोड़ा सा ही डाल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। और इसको अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे, बस कर देंगे नमक शमक। और आई जस्ट होप कि कुकर में से कुछ बाहर ना निकले। तो गाइज अभी इसको कम से कम मैं दूंगी 5 सीटी, जी हाँ 5 सीटी दूंगी, फिर खोलूंगी, खोल के फिर एक मिक्स करूंगी और पूरी सीटी निकाल के ढक के छोड़ दूंगी, ठीक है। तो इसको अभी चढ़ा देते गैस पे। सो गाइज यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, और ये कैफ ने दही के पैकेट लाए थे नीचे से गोविंद भाई की, तो इसको हम फाड़ लेता है और दही निकाल लेते हैं। और पैकेट धो के लेना गाइस प्लीज। निकाल दी हमने, अब इसमें हम डालेंगे बुंदवा। बुंदवा मतलब हमारी बूंदी वाले भैया की बूंदी नहीं, ये वाली बूंदी। ओके, इतनी थी अब इतनी डाल दिए, अब क्या करें। ऐसे मैंने ना अच्छा एक और मंगा ली थी थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो लाए थे ना लास्ट टाइम वो थोड़ी बच गई थी। बोलेंगे इतनी सारी बूंदी और दही इतनी सी, अब क्या करूँ, कैप लाइए जितनी सी। ठंडा पानी डाल दिया हमने, ठंडा ठंडक पानी। हम इसको अभी मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स, और कैप से बोलेंगे एक और दही लेके आने, ठीक है। तो मैं जब तक के लिए इसे भी बूंदी सॉफ्ट होने के लिए ना इसको अभी मैं इतना पतला करके रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में थिक भी हो जाएगा। देखो एक और दही लेके आ जाएंगे ना कैफ,
तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत कम बनाई थी मेरे लिए। तो जैनब को भी ना ऐसे सब चटर पटर वाली चीज़ें पसंद आती है। तो ये गाइस मेरे को बूंदी जो काली वाली ना जली हुई साइड से मेरे को बहुत अजीब सी लग रही है। चली हुई बूंदी, आई डेंट लाइक इट, निकाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, पादरा नमक, नमक नहीं पाता नाम इसका। यार पता है पत्थर की जैसा कड़क है, काला नमक डाला फिर। हमारा पादरा नमक आ चुका है, आई मीन के बाद। अरे तुम आ गए, मेरे को दही मंगानी थी तुमसे, दही बहुत छोटी है, ज़्यादा बना रही थी ना मैं, ज़रा को भी लेना जा रहा हूँ। एकदम चटैक। मैं क्या सोच रही गाइस पता है, इसके अंदर ना थोड़ा सा राई का तेल में ना जीरा डाल के तड़का मार दो। मार दो क्या, कर लो एक्सपेरिमेंट। नहीं यार छोड़ो, आते तुम लिफ्ट थी ना वे माले पे, जब तक जाने तक उतर गई, पहला क्यों नहीं बोली लेके आने का थी। मैं तुमको फोन करने वाली थी, थोड़ा और पानी डाल देते हैं जब तक तुम ला ही रहे हो ना। तो जब तक इसको मैं ऐसे ही पेट के रख देती हूँ, एक पैकेट और बस। हाँ बस एक ही पैकेट चाहिए और मुझे। और ब्लैक सॉल्ट डाल के दही डाल के उसको फेट के रख दूंगी। जब तक अभी मेरी खिचड़ी गैस पे, मैं आपको बता देती हूँ गाइस। यहाँ देखिए खिचड़ी है हमारी, गैस पे चढ़ चुकी है, सीधी हो जाए तो हम इसको जब तक फ्रिज में रखते हैं ठंडा ठंडा रहने के लिए। तो गाइज मैंने रेसिपी शूट कर लिया है। यहाँ पर देखो आयता भी बन के तैयार है, खिचड़ी भी चढ़ा दी है, और अभी कैफ गए हैं मेरे लिए फिर से दही लेने के लिए, क्योंकि मेरे को दही कम पड़ गई, क्योंकि कैफ ने एक छोटी सी पैकेट लाए थे जो कि इनफ नहीं होना थी, क्योंकि जैनब को भी मुझे देना, और जैनब और मुझे ऐसे चटर पटर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर रेडी है सब कुछ, फटाफट में जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि आज जुमेरात मुझे करना है। रेडी हो चुके कपड़ा कपड़ा पहन के, तो फटाफट ही रखती हूँ, फिर आप लोग से निकलने का टाइम मिलती है। यहाँ पर सब पार्सल भी रेडी है। देखा नहीं तूने, देखो इतना बेकार लड़का है, पहले नहीं आ रहा था शूज उस पे रखे, शेरू से बात करते खड़ी और पीछे से भाग गया। बताओ अच्छा नीचे कैफ है, कैफ नहीं रहता तो लड़का ना सुनता नहीं जरा भी, भाग रही नीचे मैं उसको चिल्लाती। सभी कैब जा रहे हैं पार्सल सब देने के लिए, और संभाली को तो लेके आ गई, बोलता मेरा कपड़ा मेरा कपड़ा, पता तो नहीं लग तो नहीं रहा इसका कपड़ा, ऐसा कपड़ा उसको भी पहनाया नहीं हम लोग। चलो अब जा रहे हैं ऊपर अम्मी के। अभी जैनब ने इसको नीला धुला के मस्त तैयार करी, ब्रश कहाँ रखी जैनब इसका, देखो उधर टोकरी में चिप्स के वाले में, जल्दी ला जल्दी। यस इधर 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 ए वो बाहर जाने का ब्रश यूज कर, बाहर ट्रैवलिंग के लिए भी जाएगा ना। हां यूएस जा रहा हमारा समदानी। ए देख कैसे चलता है, कैसे चलता है, मशीन वाला नहीं है रे ये। नीचे कौन है, तेरा दोस्त है ना, क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन। हां
रेन ड्रैगन ड्रैगन हाँ थैंक यू मॉम कुछ नहीं कुछ नहीं थैंक यू मॉम और वो गावा का लेके आई थी तू खाली वो देख वहाँ पर वो जेली वाला भी लाई मैंने एक उधर ही टोकरी में कितना क्यूट है ना यार यस सो गाइज मैं एक डिलीवरी देके आ गया डिलीवरी यहीं बाजू की थी पटेल नगर की तो वो देके मैं आ गया और शिरिन गई है ऊपर जैनब दीदी के वहाँ से वो आएगी वैसे ही हम लोग निकलेंगे वो देखो वो आ गई है वो भी शूट करते हुए आ रही है मैं भी शूट ही कर रहा था तो कुछ कुरियर से अभी मैं जाते जाते बैंड्रा जाते जाते डिस्पैच करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे सो मिलता है आपसे थोड़ी देर में अभी मैं जैनब के यहाँ से उतर गई अम्मी आ गई थी बट अम्मी ना सो रहे लगता बेल बेल सब बंद है अम्मी के तो अम्मी सो गए रहेंगे क्योंकि अम्मी रात को लेट आए थे कुछ 3:30 बजे आसपास आए थे फिर उसके बाद में अम्मी नहा वहा के खाना वाना खा के थोड़ी देर लेटे थे फिर सोए भी नहीं अम्मी बराबर से सुबह भी जल्दी उठ गए क्योंकि खुशी आंटी आते रहते इसलिए तो सोए भी नहीं अम्मी ने बराबर तो अभी अम्मी सो रहे खाना वाना खा के चलो मैं उतर गई हूँ जा रही बैठा तो फिर सीधा बैठा है तो कैसे हम लोग पहुँच गए फटाफट मैंने काट दिया फ्रूट यहाँ पर सब फाते के लिए भी भेज दिया था और अभी थोड़ा सा फ्रूट का कचरा वचरा सब फटाफट उठा लेती हूँ फिर आपसे मिलती करो करो वेरी गुड सो गाइस बस अभी सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बस ऐसे ही बैठ के सब बात कर रहे थे तो अभी सब उठ के वहाँ गए और शिरिन और जज़ा अभी नमाज़ पढ़ रहे ईशा की क्या हुआ नमाज़ पढ़ रहे लोग सो बस अभी शिरिन की नमाज़ हो जाए फिर इंशाल्लाह उसके बाद देखते निकलते कुछ है नहीं आज ज़्यादा कुछ करने के लिए भी देखते और कुछ अगर प्लान बन जाए या कुछ हो जाए जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आपको बता देंगे सो बने रहिए वीडियो में और हाँ मेरे मूड ऑफ रहने पे मेरे चेहरे के क्या इमोशंस ये वो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है नशा करता है ये करता है सो ठीक है जिसको जो बोलना है बोले मेरे को पता है मैं क्या हूँ उसको पता है मैं क्या हूँ और उसको पता मेरे को किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है जैसा भी जो चल रहा है वैसे ही चलने देंगे किसी को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि छोड़ो दफन करो बात ही नहीं करनी ऐसा लग रहा है उस चीज़ के ऊपर हाँ बहुत से लोग बोल रहे हैं मूड ऑफ रहता है तो हाँ कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मूड ऑफ रहता है बट इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि मतलब 24 घंटे ही मैं ऐसा हूँ कभी कभार हो जाती है वो चीज़ें बट खैर ठीक है कोई बात नहीं शिरिन की नमाज़ हो जाए फिर उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ सो बने रहिए तो गाइस अभी नमाज ही पढ़ ली और बैठ गई अभी मैं थोड़ी देर तो यहाँ पर ये देखो उंगली करिए ए हाथ पे मत मन तो बैठी हूँ और जब तक खा रही हुई है खाते बैठी और अभी जस्ट फोन लिया हाथ में अभी देखती हूँ इतने सारे कमेंट्स वमेंट्स जो भी अभी है सब नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आते जा रहे हैं अभी मेरे को अभी नहीं चालू करी और चलो और कुछ तो चलो मिलते आपसे बात यहाँ पे पहुँचे तो कितना खुश हो रहा है खरगोश जी को हमारा क्या
जिस उसको लगेगा मुंह पे तो नेक्स्ट टाइम बूबी इतनी छोटी छोटी कैरी का दीदी ने बनाया है मुरब्बा। किसका मुरब्बा दीदी? तो गाइस अभी मैं खाना खा रही हूँ। मैं छोटे अलमारी में बनाए थे चिकन का सालन अभी और चिकन आलू उस दाल के भी गर्म गर्म चावल है। यहाँ पर बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा, जोर हो रही है। तो मैं खाना खा रही हूँ। नाम लिखा है ना तुम्हारी प्लेट का? और ये कैसे बैठे हुए और देखो बाहर से कैसे बराबर छोटे वाली बहन बराबर आवाज सबके सब मेरे को ही चल रही है। इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा बेचारे को देख के ना। मासूम दिखता है, इसके लिए दिखता मासूम पर है नहीं। मेरे को मिला नहीं ना इसके दूसरा निकाह करने का बोल रहे। आए बड़े मुरब्बा भी मेरा बनाएंगे दीदी, मेरा बनाएंगे ना तुम मुरब्बा? हाँ ज्यादा लाड़ में मत बेटा, मेरे भाई ने कुछ बोला करा नहीं। अल्लाह कैसे ननंद लोगे देखो, बोला ही नहीं और बोल भी नहीं सकता। क्या दूसरा निकाह? हाँ कर रहा क्या? करूँ क्या? हाँ बोलते एक इधर रखेंगे। हाँ हाँ ये एक इधर रखेंगे। हाँ जाओ बेटा, मेरा बच्चा वहीं अच्छे लग रहा तुम लोग। दूसरी औरत को भी लेके वहीं रहो। और क्या है उसका? किसका? पायल कृतिका, कृतिका पायल अरमान। हाँ है ना, तूने अरमान भरा लेना तेरे अंदर के वो शेरी ने पूरा खाली कर देगी। खाली चलो मैं खाना खा लेती हूँ। पहले बज गए 11 और अभी हम लोग निकल रहे हैं और दीदी भी अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। दीदी कर रहे हैं अभी मेहमान दीदी के कंधे की मालिश, कंधे में आए चमक चमक नहीं झटका आएगा इसलिए। दीदी तो बेडरूम में थे, जोरा तो सो गई, मम्मी पंद्रह ने सिफारे भैया। और मैंने खाना भी खा ली, केफ भी खा लिए और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं, जाते हैं घर और जाते हैं घर और कुछ भी नहीं। अम्मी से मिली नहीं, अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, सूटे पड़ के मैं पता गुस्सा ना मेरे को। 6 बजे मेरे को अम्मी मैसेज आती, सुनना वॉइस नोट डाल के जैसे सुनना नानी का ये फोटो डाल देना करके जरा इंस्टाग्राम पर। मुझे बाबू बोली कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, माँ वाला गाना डाल के ये जरा डाल देना। बोली ठीक है और रिप्लाई भी नहीं दी मैंने सभी मेरे अपने पर। क्या गुस्सा कर सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हम किसी को। और देखो गाइस कपड़ा कबर्ड से निकालते निकालते देखो कैसे खसक के फट गया, मतलब गुस्सा आ रहा है। हम कब से ऐसा मैं थोड़ा भी फटा हुआ कपड़ा पहनती हूँ ना तो बहुत ये होता है, पर नहीं कोई बात नहीं पहनना चाहिए कभी कभी ऐसे फटे हुए कपड़े भी। और जो थेपली लगे हुए रहते ना छोटी छोटी, जैसे कहीं फटा हो तो कोई कोई लोग जो रहते हैं जो लोग पैचेस लगा लगा के कभी कभी पहनते हैं और फेंकते नहीं जल्दी कपड़े, अच्छा रहता। एनीवेज चलो कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं। और ये इंसान को पता नहीं मौके पकड़ा, मैं तो बात ही नहीं कर रही थी दिनों से, 18 तारीख से तो मैं बात ही नहीं कर रही है इन सब से बराबर से, थोड़ी थोड़ी बातें कर ले रही क्या कर सकते। एनीवेज मिलती हूँ आपसे सीधा भी कहीं ना कहीं जाके। गाइस हम लोग बूस्ट पीना है काटा रोड पे बैंड स्टैंड पे, सॉरी। तो इतना ठंडा इतना ठंडा है, गर्म गर्म भैया ने बूस्ट दिए, धुआं निकल रहा था, दो मिनट में ठंडा हो गया पूरा। इतनी ठंडी है हमारे, आप लोग के यहाँ पर है कि नहीं ठंडी? मतलब लाइक जो बॉम्बे से नहीं है दूसरे दूसरी जगह से, वहाँ पर सूरत या कहीं कहीं से आप लोग देख रहे हो वहाँ पर ठंडी है या नहीं है बता रहा कमेंट करके। यहाँ तो बहुत ठंडा है यार मौसम, एक तो हवा भी जो हल्की हल्की भी चल रही है ना वो भी एकदम ठंडी चल रही है। चलो निकल रहे अभी घर के लिए, सीधा घर पर मिलते।
सो गाइज हम लोग तो शूट की घर पहुंच के। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर खैरियत से, और आज फाइनली जो ये पार्सल उस दिन आया था तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इंस्टाग्राम वीडियो मैं कल दिन के टाइम पे बना दूंगा इंस्टाग्राम के लिए वीडियो, बट मैं अभी मैंने सोचा कि मैं ये ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे मुझे क्या आया है, ठीक है। तो ये आया है मुझे HM11 कलेक्शंस के तरफ से, और जब पार्सल में ओपन करा रहूँगा जो भी वीडियोस रहेगी वहाँ पे आपको इनकी इंस्टाग्राम आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दोनों देखने मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों को भी अभी पहले मैं खोल के देखता हूँ क्या है क्या नहीं और आपको मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर इस पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा तरीका है। हाँ श्री पढ़ के भी दिखाऊंगा, पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। Hey Kaif Sheikh, thank you so much for continued support and collaboration. We have enjoyed working with you so far and can't wait for the journey ahead. As a little token of our appreciation, we are sending you best selling products. We hope you love it and look forward to hearing your thoughts. HM11 collections. पीछे लिखा है help us to grow again. Our previous account got disabled. थैंक यू, मैं अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस। थैंक यू सो मच, मैं अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस एज वेल। और इसमें है okay. दो दो फोन कवर्स इन्फिनिटी बने हुए। उसके अंदर भी और कुछ है, देखी तूने? क्या नहीं दिखा? नहीं मेरे को दिख रहा है। दिखा था, बहुत यूनिक लगा मेरे को। वेरी वेरी नाइस की चेंज है। अच्छा इन्फिनिटी बनी है। हाँ ये नाइस। थैंक यू सो मच। इतनी रात को मुझे फोन कौन करता है? दो मिनट दीदी करते हैं तुमको कॉल। और ये वाला एक सेकंड गाइस, बहुत लेट फोन आया, एक सेकंड। सो गाइज कवर की क्वालिटी भी माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वालिटी कवर का। ये देख सकते हैं, मैं कैसे एक हाथ से पकड़ू? अरे खाली तेरे को चेक करने बोल रहा, क्वालिटी यार। हाँ अच्छी तो है, क्वालिटी अच्छी। नाइस, ओह माय गॉड। बहुत क्यूट लगा मैं। ये अच्छा है। अभी फिलहाल खाली है, इंशाल्लाह ये भर के दूंगा मैं। शुमत कर। नाइस, वेरी नाइस।
देखो अगर जो भी औरतें देख रही है अपने आदमियों को बताओ और बोलो कि भाई ये चीज ऐसा बना के दो। हाँ यार। सिर्फ उसके अंदर बस डॉलर्स रहना चाहिए, इंडियन रुपीस नहीं चाहिए। $100 का एक अच्छा बंडल चाहिए बस। $100 का बंडल चाहिए, एक नोट बस हो जाए। नहीं, बंडल $100 की नोट चाहिए और उसका पूरा बंडल चाहिए। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। वेरी फ्राइडे, बहुत अच्छा है ये। कल ये अपने कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन में मैच हो गया। जो कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है ये चल रहे। वेरी नाइस। अब इस पे यहाँ पे मेरा, यहाँ पे तेरा, फिर यहाँ पे आधा मेरा आधा तेरा, ऐसा ही ना। सो गाइस एक तो तीन एंड चार। ठीक है, अभी सब कैफ है ना, आपको बराबर से लगा के मैं दिखाता हूँ। yes. सामान तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या आया है, एंड इट इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही प्यारी चीज़ें भेजा है उन्होंने। और किसी को भी अगर इस तरीके की चीज़ें कस्टमाइज़ करवा के चाहिए, या आपको किसी को गिफ्ट देना है, या जो एनवलप बना के उन्होंने भेजा है वो बहुत ही प्यारा है, तो आप अपने घर के बच्चों के लिए भी बना सकते हो, अपनी वाइफ के लिए, या कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, या अपनी बहन, अपने भाई, अपने किसी के लिए भी आप इस तरीके का एनवलप्स भी बनवा सकते हो। तो आईडी आपको अभी भी यहाँ दिख रही है, प्लीज़ इनको कांटेक्ट करो, इनको आगे बढ़ाइए, इनकी क्या बोलते हैं, इनके प्रोडक्ट्स का क्या लाभ उठाइए, और इंशाल्लाह बहुत रीज़नेबल रेट्स में देंगे ये, जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ जाइए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनसे चीज़ें ऑर्डर कीजिए, और क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इनके पास बस। और यही ख़त्म होता है आज का हमारा दिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल KF शिरिन व्लॉग्स। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। शिरिन, हाँ।